छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 11वें दिन सत्र में पक्ष विपक्ष एक दूसरे को घेरते हुए नजर आए। सदन में प्रधानमंत्री आवास योजना पर विपक्षी सदस्यों ने आवास की संख्या पर सवाल किया। साल 2020 से अब तक के मकान बनाने का लक्ष्य और स्वीकृत घर बनाने की बात को लेकर दोनों पक्षों में खूब बवाल हुआ। विपक्ष को केंद्र से मकान बनाने का लक्ष्य बताते हुए हंगामे के बीच मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी आंकड़े सही नहीं बता पा रही है। इस बात का बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, पुन्नू लाल मोहले ने विरोध किया। इसके बाद जोरदार हंगामा हुआ और सदन से वॉकआउट कर दिया। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि सरकार गरीबों का मकान छीन रही है और मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास तो पूरी तरीके से गरीबों के साथ छल किया गया है। भूपेश बघेल लगातार झूठी जानकारी, शहरी आवास को ग्रामीण आवास के साथ जोड़ के बात कर रहे हैं। 2020-21 में, 19-20 के बाद 21-22 में लगातार इनके आवास को आंकड़ों यदि देखा जाए तो जो इनके आंकड़े जो विधानसभा में जानकारी दिए हैं उस जानकारी के अनुसार ही एक भी आवास नहीं बना पाए। अभी प्रतिपक्ष के सदस्यों के पास ही एक आंकड़े नहीं है, कौन सही बोल रहा है और पांचों में से कौन असत्य है ये तो वो जाने, लेकिन सत्य ये है कि 18 लाख आवासहीनों का सर्वे हुआ था, 11 लाख से अधिक लोग पात्र पाए गए थे, उसमें लगभग 8.5 लाख से अधिक आवास गरीबों के बनाए जा चुके हैं और लगभग 3 लाख के आवास सुनिश्चित करके बनाने का निर्णय हमने लिया है और उसमें लगभग बजट में इस साल के हमने प्रावधान किया है। उसके बावजूद भी जो आवासहीन शेष रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से अप्रैल से सर्वे कराने का निर्णय लिया है, उसके बाद सभी आवासहीनों को आवास